हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवाज अशरफ दहलवी पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने किटन की या कैट की घर में रहकर डिवॉर्मिंग कैसे करें। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनका जो वेट होता है वो थोड़ा सा दूर होता है, तो उन्हें ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, इस वजह से वो डिवॉर्मिंग नहीं हो पाती। तो आप अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से या किसी भी साइट से डिवॉर्मिंग की टैबलेट मंगा सकते हो, सिरप मंगा सकते हो और घर में भी अपनी कैट को डिवॉर्म कर सकते हो। तो चलिए और मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत सिंपल है कैसे डिवॉर्म करना है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको तरतीब पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको कि आपको जो सिरप होता है उससे कैसे डिवॉर्मिंग करते हैं। अच्छा, मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ही बच्चा है डिवॉर्म करने के लिए, तो मैं उसे दोनों तरीके से तो नहीं कर सकता डिवॉर्म, मगर मैंने इसमें सिरिंज में पानी भरा है आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि लिक्विड आपका सिरप के थ्रू आप कैसे डिवॉर्म कर सकते हो। तो इस पानी के थ्रू मैं डिवॉर्म करके बताऊंगा किस तरीके से डिवॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, ये जो किटन का जो साइड का पोर्शन होता है ना मुंह के, आपको यहाँ से सिर्फ इसके थोड़े थोड़े ड्रॉप इसके अंदर डालने हैं। ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। ये देखिए, ये पानी पी चुका है। अगर इसमें सिरप होता डिवॉर्मिंग के लिए, कोई तो सिरप भी इसी तरीके से पी सकता था बहुत आसानी से। हो सकता है कि सिरप पीने के बाद थोड़े से झाग निकाले, थोड़ा सा अब नॉर्मल सा फील करें, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं होती। वो मेडिसिन अपने मुँह से निकालते हैं और बहुत आसानी से वो साफ़ भी हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो अगर आप सिरप के थ्रू इसे डिवॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो आपके बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपके पास किटन है 2 से 3 महीने का, तो आप उसे 0.5 ml दे सकते हो। कोई भी सिरप जो डिवॉर्मिंग का होता है, वो 0.5 ml अगर आप दोगे तो वो डिवॉर्म हो जाएगा। और ख़ास बात ये ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी बात ये कि जब भी आप डिवॉर्म करें अपनी कैट को, तो होना ये चाहिए कि आप रात के खाने के 1 घंटे बाद डिवॉर्म करें। जब वो रात को खाना खा चुका हो तो 1 से 1.5 घंटे बाद डिवॉर्म करें, और डिवॉर्म करने के बाद उसके सामने सिर्फ पानी रखें, क्योंकि खाना वो ऑलरेडी खा चुका है। 1-2 घंटे बाद डिवॉर्म करिए और पूरी रात उसके सामने सिर्फ पानी रहने दीजिए, खाना को बिल्कुल हटा दीजिए, जिससे कि उसके जो पेट में वॉर्म्स हैं उन्हें बहुत आसानी से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। अगर वो खाना खाता रहेगा तो दवाई का असर कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब हम बताते हैं आपको कि टैबलेट के थ्रू किस तरीके से डिवॉर्म करा जाता है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये मेरे पास डिवॉर्मिंग के लिए टैबलेट है। इसका हम सिर्फ इसे 1/2 टैबलेट देंगे, क्योंकि किटन है। अगर हमारी ये एडल्ट किट होती तो हम इसे पूरी भी दे सकते थे। ये जो टैबलेट है वो स्काई वॉर्म की है, ये बहुत अच्छी टैबलेट होती है डिवॉर्मिंग करने के लिए। तो अब आपको करना क्या है कि ये किटन है, आपको ना यूं करके इसका मुंह पकड़ना है। जब आप यूं मुंह पकड़ेंगे तो आप ठीक से मुंह पकड़िए, दबाना वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको 2 उंगलियों के बीच में ये टैबलेट फंसानी है और ये इसके मुंह के बिल्कुल बीच में डाल देनी है। अब इसे आप हिलाइएगा नहीं, ये खुद ब खुद अंदर खा लेगा टैबलेट, जैसे कि आपने देखा है खा चुका है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसके बीच में बिल्कुल मुंह के सेंटर में टैबलेट डालनी है। जब आप सेंटर में डालेंगे आपको ऐसे ही पकड़े रहना है इसे, ये चिल्लाएगा मगर आपको छोड़ना नहीं। जैसे ये ज़ुबान चलाएगा ऐसे रखेंगे तो ये अंदर चाट लेगा। टैबलेट डालने के लिए एक ये इंजेक्ट टूल भी आता है, इससे भी आप इंजेक्ट कर सकते हो इसके मुँह में, मगर ये हर जगह मिलता नहीं है। अगर ये आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, आपको उंगली से डालने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये क्या होता है, इसमें टैबलेट फंसाई, डायरेक्ट इसके मुंह में डाल के ये इंजेक्ट कर दिया, ख़त्म, वो अंदर चली जाएगी। तो मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए। अगर आप सिरप से करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिरिंज लेकर, खाली सिरिंज ले लीजिए 1 ml की, उसमें 0.5 ml भरिए और डाल दीजिए। अगर आप टैबलेट से करते हैं तो आप डायरेक्ट हलक में डालेंगे, थोड़ी देर पकड़े रहेंगे, वो ज़ुबान चलाएगा अंदर ले लेगा। तीसरा, ये इंजेक्शन टाइप भी आता है इंजेक्ट करने के लिए, आप ये भी ले सकते हो, अमेज़ोन पे शायद फ्लिपकार्ट मिलता भी होगा, मैंने देखा नहीं। तो आप 3 तरीके से सीख चुके हैं डिवॉर्मिंग करना, बहुत इजी रहता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हर 2 महीने में आप अपने बच्चे को डिवॉर्म कर सकते हो।
डीवॉर्मिंग करने से वॉर्म्स ख़त्म हो जाते हैं, बच्चा हेल्दी रहता है। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। और मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे और हिम्मत मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।